हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं एक नए वीडियो के साथ, और आज मैं सुबह आया था तो वीडियो स्टार्ट करने में थोड़ा लेट हो गया। और ये फिशिंग रोड से मैंने पहली फिश पकड़ी थी, आप देख पा रहे होंगे, ये कोमल कार फिश है दोस्तों। और जो बाइट मैंने काम में लिए वो सिर्फ गेहूं का आटा, और उसके अंदर मैंने 4 ब्रेड मिलाई थी, और उसी बाइट से मैंने मेजर कार पकड़ी थी, जिसे आप कोमल कार भी कहते हैं अपन। साइज में थोड़ी छोटी है दोस्तों, तो इस वजह से मैंने इसे छोड़ दिया था वापस। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं दूसरी लोकेशन पे, आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए अब हम जो अपने हुक्स हैं उनको सेट कर लेते हैं, और उसके बाद इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, फाइनली हमारे हुक जो पे मरल लग चुकी थी, देख पा रहे होंगे आप, और साइज़ में काफ़ी बड़ी है दोस्तों। ये तकरीबन 4 से 5 किलो की होगी ये। देख पा रहे होंगे आप दोस्तों, हमारी जो रील थी उसका ड्रैग जो था दोस्तों काफी कम था, लगभग 2 किलो के आसपास तो उसका ड्रैग रहा होगा, और जो मछली की साइज़ थी वो ज़्यादा थी, तो इसे होल्ड करने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। और काफ़ी मुश्किलों के बाद मैं इसे किनारे पे लेके आ पाया हूँ। साइज़ देख रहे होंगे दोस्तों आप, ये पहली बार है दोस्तों जब मेरे फिशिंग रोड पे एक मरल लगी थी, और बाइट पे मैंने सिर्फ गेहूं का आटा लगाया था, और इतनी बड़ी फिश मैंने पहली दफ़ा पकड़ी है। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूले, लाइक ज़रूर करें वीडियो को। दोस्तों, ये हमारी फिश जिसको हमने बाहर निकाला है। वीडियो बीच के लिए कट हो गया था। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और मिलते हैं अब अगले वीडियो के लिए, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।